ये अलग ही लेवल की ऑफ रोडिंग हो गई भाई साहब। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। जो राजस्थान सीरीज जो थी उसमें हम लोग झुंझुनू पहुंच चुके थे, तो वहां से हमें आगे भी जाना है, वापस घर भी आना है, तो फटाफट अपन वहां से शुरू कर लेते हैं। तो राजस्थान सीरीज के लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया था कि हम लोग पहुंच चुके थे अजय के घर पे, यानी झुंझुनू। अब उसके बाद अब हमें जाना है नवीन सैनी के घर पे, जो हमारा एक और दोस्त है वहीं पे पास में रहता है। एक्चुअली जो अजय का घर था उससे 30 या 40 किलोमीटर दूर था, तो अब हम लोग जा रहे हैं वहां पे। इस वीडियो का जो ज्यादातर पार्ट है उसमें मोटो व्लॉग रहने वाला है अपनी हिमालयन पे, तो जिनको मोटो व्लॉग में इंटरेस्ट है तो वो तो रहो बने, और जिनको मोटो व्लॉग में नहीं है इंटरेस्ट दोस्त होने के नाते यहाँ पे आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद आप लोग फ्री हो, आपका टाइम हम खराब नहीं करेंगे। तो जी, इसमें हम लोग कवर करने वाले वहाँ के आसपास के गाँवों को, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, आप भी लो एक्सपीरियंस। तो वहाँ से शुरू करते हैं अपन झुंझुनू से ही वापस, जहाँ पे हमने लास्ट व्लॉग में छोड़ा था, एपिसोड 2 में छोड़ा था। अगर आपने वो एपिसोड्स 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखो, तब आप स्टोरी को कंटिन्यू कर पाओगे। अगर यहीं से कंटिन्यू करना है तो चलो फिर करते हैं अपन शुरुआत। तो यार अभी हम लोग निकल रहे हैं नवीन के घर के लिए। ऊंट के ऊपर लोग और लोगों के साथ उनका वफादार कुत्ता। यार यहाँ के ना गांव बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। रोड थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है भाई ये वाली, एकदम ध्यान ध्यान से अपने को चलाना पड़ेगा। तो यार आज मैं जा रहा हूँ, अपना एक दोस्त है नवीन सैनी, मतलब मेरे स्कूल में भी साथ था, इवन मेरे कोचिंग में भी मेरे साथ ही था, और उसके बाद भी हमारी काफ़ी सही बॉन्डिंग रही है। तो अभी उसके घर जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अजय के घर पे रुका हुआ था, वहाँ से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर था, तो मैं ऑलमोस्ट 6 बजे वहाँ से निकला हूँ। यार नवीन ना मेरे को सुबह से गालियाँ दे रहा है, भाई तू कब आएगा, तू कब का बोल रहा है, कब आएगा, कुछ तो बता दे। तो यार बेसिकली हुआ क्या था कि कल रात को ना अजय के घर पे इतना खाना खाया था, कल आते ही उन्होंने एक तो इतना, मतलब यहाँ पे ना ऐसा ना हो जाता ना जब तक कि अब आपके मुंह में एक भी दाना नहीं जाएगा तब तक आपको खिलाते रहेंगे, और ऊपर से अजय भाई साहब, और खाना भी क्या टेस्टी था ना, इतना मतलब मेरा खुद का पेट भर जाता था, फिर भी ऐसा लगता था और खाऊँ और खाऊँ। अपना दीपक भाई है अजय का छोटा भाई, तो वो बहुत ही तगड़ा कुक है और सारा खाना उसी ने बनाया था, मतलब थैंक यू दीपक भाई इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। यार कल रात को इतना हैवी सीन हो गया था कि सुबह हम जल्दी उठ ही नहीं पाए, और फिर अपना वर्क स्टार्ट हो गया था काम, उस चक्कर में फिर दिन को मैं जा नहीं पाया और अभी शाम को मैं निकला हूँ। तो आज रात का स्टे नवीन के वहीं पर करेंगे, कल सुबह अपन देखते हैं वापस, मे भी मैं अजय के घर पर आऊँगा। यहाँ पे रोड जहाँ पे अच्छी आ रही है वहाँ पे बहुत ही अच्छी आ रही है, और जहाँ पे ख़राब आ रही है वहाँ पे पूरी ख़राब आ रही है, रोड ही नहीं है। यार सीनरी ना बहुत ही प्यारी है यहाँ पे, आसपास चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बस शहर टाइप आया है, और यहाँ से रह गया अपना 10 किलोमीटर।
गूगल मैप यार भाई, कल की तरह बकचोदी मत कर देना। हट जाओ बेटा। तो आज तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं थी, 40-50 किलोमीटर करने में क्या ही ब्रेक यार। अरे घर है इतना बड़ा भाई साहब, अलग ही मजे होते हैं गांव में। हीरवा गांव है नवीन का, तो वो है अभी यहाँ से 3 किलोमीटर यार। एक्चुअली मेरे ना जो पेनियर्स है वो फुल मतलब पैक भरे हुए नहीं है, एक्चुअली उनमें ना थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ स्पेस है, तो जब भी थोड़ा सा ख़राब रोड आता है ना, तो वो सामान ऊपर नीचे होता है, तो वो अंदर आवाज़ कर रहा है। तो इसको भी अपने को मतलब कल वापस आके इसका भी थोड़ा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंच गए यार हीरवा गांव में, यहाँ पे कर लेते हैं नवीन को कॉल। एक्चुअली मैं उसके घर पे गया हुआ तो हूँ, बट कहाँ है वीरे? बस गाँव में। गाँव में तो मैं खड़ा हूँ। हाँ खड़े है। ओके वीरे, ये अलग ही लेवल की ऑफ रोडिंग हो गई भाई साहब। ओहो नखरा था तो यार, फोन करियो मन 4 बजे। हाँ और आए तो ईब है। क्या टाइम हो गया? 7 बजे नाड़े। भाई साहब ये तगड़ी ऑफ रोडिंग है। तो भाई अपना नवीन मिल गया, वो उसको थोड़ा सा काम है, वो गांव में जाके आ रहा है, और मैं उसका घर तो जानता ही हूँ, उसका छोटा भाई भी अच्छी तरह से जानता अपने को। तो जी नवीन के घर पे हम लोग पहुंच गए थे 7 बजे के आसपास। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, काफ़ी देर बैठ के सब लोग बातें करी, और उसके बाद फिर सो गए थे। और नेक्स्ट डे मेरे को जल्दी निकलना था सुबह 7 बजे के आसपास, क्योंकि अपने को कहीं और प्लान्स थे, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट में आएगी। अभी हम लोग वापस निकलते हैं अजय के घर पे, मिलते हैं फिर से बाइक। मैंने कहा ना मोटो व्लॉग होने वाला ज़्यादातर पार्ट। तो यार कल रात को मैं रुका था नवीन के पास, वहाँ पे एक्चुअली मैं व्लॉग करने आया, क्योंकि मैं शाम को पहुँचा था और फिर सुबह अभी जल्दी निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो गया 8 बज गए और आज है अपना सैटरडे, तो आज अपन पूरा दिन फ्री है, कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ अजय के घर पे, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे आज की ट्रिप के लिए। यानी अमन चौधरी अपनी गाड़ी लेके आएगा, तो उसको मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उसने ही नई गाड़ी ली है ब्रेजा, तो वो गाड़ी लेके ही हम लोग जाएंगे।
अपन आए थे कल इसी रोड से, यहीं से वापस जाते हैं क्योंकि वो वाला रोड ना थोड़ा घुमा के लेके जाता है और ये एकदम न्यू रोड है, जीरो ट्रैफिक। अजय मेरे को बोला था कि भाई सुबह के ना 6 बजे वापस आ जाना, बट यार यू नो नवीन के घर पे यार उन्होंने मेरे को आने ही नहीं दिया। हलवा बनाया अभी सुबह के लिए कि बोले कुछ तो खा के जाओ। उसके बाद एक और दोस्त है मेरा मनोज, नवीन के घर के पास ही उसका घर है। हम लोग एक्चुअली सब स्कूल में साथ थे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके घर भी गए हम लोग। अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9:45 बज गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यार और धूप भी पूरी हट गई है। हट गई या मेरे को ये ब्लैक क्लास से लग रहा है? नहीं नहीं हट गई है धूप भी और अच्छे खासे अभी बादल हो रहे हैं तो बारिश का मौसम लग रहा है मेरे को तो अभी। ये वाला रास्ता यार बहुत ही प्यारा है, दोनों तरफ खेत और फुहारे चल रहे हैं, मतलब हरे भरे गांव है यार यहाँ पे पूरे अभी मानसून के टाइम तो। बाकी अपना चीता ना टूरिंग सेटअप के साथ बहुत ही सेक्सी लग रहा है, मतलब जहाँ पे भी रुकते हैं लोग इकट्ठे होके भाई साहब क्या है ये मतलब बढ़िया लगती है यार बाइक, लोगों को अट्रैक्ट करती है और परफॉर्मेंस में तो भाई आप देख ही रहे हो क्या मस्त परफॉर्म कर रही है एकदम इस राइड पे। तो भाई साहब यहाँ पे ऊँट चलते हैं अभी भी, यहाँ पे अपने राइट साइड में पूरे रेत के टीले हैं। अभी यहाँ से अजय का घर रह गया है 2 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुँच गए अजय के गांव। तब तक के लिए बाय।